पहले क्या करना है, कनेक्टर को देखना, कौन सा कनेक्टर को, इधर देखाओ, चार्जिंग पिन कनेक्टर को देखो, चार्जिंग पिन कनेक्टर इधर है ना, ये चार्जिंग पिन कनेक्टर में हमारे को एक पिन में हमारे को 5 वोल्टेज आता, इसमें ये पिन में आता, बोर्नियो वही बता रहा, बोर्नियो क्या बता रहा, वही बता के उधर से ट्रैक जा रहा है, पहले एसी को कौन सा एसी को मिल रहा है वो देखते अपन, पहले कौन सा एसी को मिल रहा है जाके वो वीपीआईसी को जाता डायरेक्टली, देखो ये वो वीपीआईसी इसमें जाता, इसमें दो कैपेसिटर देखा जा रहा है ना, पहले वो इधर आता पावर, ये रेड इधर लगा है जंपर करा कौन हमारा जंपर, इधर आने के बाद इधर से वोल्टेज, फिर ये कैपेसिटर लगा के ये कैपेसिटर इधर जाता बोल के बोर्नियो दिखाया, बट हमारे को क्या करना है, इसको वोल्टेज इनपुट आ रहा है, इसको आउटपुट जा रहा है देखना, उसके बाद वो आईसी को निकाल देना, आईसी को निकाल देके आईसी के नीचे हमारे को कितने पिन आता है इधर देखो, इतने पिन दोस्तों ने आईसी की आईसी को नीचे हमारे को 12 पिन आ रहा है, कितने पिन आ रहा है 12 पिन आईसी आ रहा है, ये 12 पिन आईसी में हमारे को ये आईसी को दामना पड़ता है, दामना पड़ता है, दामना बोले तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिले तो क्या पीछे बीच में क्या है तीन पिन है, ये तीन पिन को मिला देना, पिन पिन को क्या करना मिला दिए तो ये आईसी बिना आईसी भी काम हो जाता है, बिना आईसी भी हमारे को काम हो जाता है, ये तीन पिन को मिला दिया तो बाद में ये वोल्टेज जाके हमारे को मेन आईसी को मिलता है, इसी चार्जिंग आईसी है वो बीच में आ रहा है ना, वही चार्जिंग आईसी बड़ा वाली, उसके बाद वो वोल्टेज हमारे को वीपीएच लाइन एक जनरेट करना है, मीन्स वोल्टेज एक जनरेट करना, मीन्स इधर बूस्टर कॉइल देखा जा रहा है, ये बूस्टर कॉइल को वोल्टेज आना है, बूस्टर कॉइल को वोल्टेज आना, वो वोल्टेज कितना आता है 3.7 दैट इज वीपीएस लाइन, मीन चार्जिंग ऐसी प्रेजेंट मोबाइल्स लो ఖచ్చితంగా VPS లైన్ జనరేట్ చేయాలి, అప్పుడే చార్జింగ్ ఐసి పని చేసినట్టు, ఓల్డ్ మోడల్ లో VPS లైన్ తో పని ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు VPS లైన్ కంపల్సరీ అయిపోయింది.